अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक मुस्तनद किताब सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद आदम के जिस्म में एक हड्डी ऐसी भी है कि जिसे मट्टी नहीं खाएगी और वो दुमची की हड्डी है। 2001 ईस्वी में इसी तरह का एक तजर्बा डॉक्टर उस्मान अलजिलानी और शेख अब्दुल माजिद अज़ज़ंदानी ने यमन के शहर सनआ में किया। शेख अब्दुल माजिद अज़ज़ंदानी ने अपने घर में दुमची की 5 हड्डियों को गैस गन के जरिए पत्थरों के ऊपर 10 मिनट तक इस कदर जलाया कि वो आग का अंगारा बन गई, और जब वो हड्डियां ठंडी हुई तो वो बिल्कुल स्याह हो चुकी थी। शेख अब्दुल माजिद अल-ज़ंदानी ने उन जलकर कोयला बन जाने वाली हड्डियों को एक जरासीम से पाक संदूक के अंदर महफूज कर लिया और सना शहर की सबसे बेहतरीन लेबॉरेटरी में तज़िये के लिए ले गए। वहाँ पर डॉक्टर उस्मान अलजिलानी, जो कि सना यूनिवर्सिटी में खुलियों और बाफ्तों के खुर्दबीनी मुतालिया और इल्मे तशखीस अमराज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इन टुकड़ों का तज़िया करने के बाद ये कहा कि इस कदर जलने के बावजूद दुमची की हड्डियों की बाफ्तों के खुलिये बिल्कुल मुतासिर नहीं हुए हैं और वो खुलिये बिल्कुल सलामत हैं। सिर्फ चर्बीली बाफ्तों वाले पट्टे और हड्डियों का गोदा मुतासिर हुआ है। प्यारे नाज़रीन, जदीद साइंस ने भी हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमाने अकदस पर तस्दीक की मोहर सब्त करके आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नबी बरहक होने का सबूत फराहम कर दिया है, और इसमें अहले अक्ल व खिर्द के लिए गौर व फिक्र का एक वाज़े पैगाम भी मौजूद है। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।